ये बेसिकली 2 BHK फ्लैट है। ये 235 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट एरिया है, 2035 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, फुली फर्निश्ड फुली लोडेड फ्लैट है। हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों आज हम बेसिकली हिमाचल की तरफ निकले हुए थे, तो जैसे हमने परमाणु क्रॉस किया, धर्मपुर पहुंचे, तो हमें यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिला। तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए लेके आना चाहिए। तो उस लिहाज से फिर हम यहाँ रुक गए। तो मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ आपको देता हूँ। ये जो फ्लैट है हमारे, ये बेसिकली 2 BHK फ्लैट हैं। अगर हम स्क्वायर यार्ड की बात करें, 235 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट एरिया है और 2035 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, फुली फर्निश्ड फुली लोडेड फ्लैट है, जिसमें कि आपके 2 वॉशरूम हैं, 2 बेडरूम हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है विद सर्वेड रूम है, और उसके साथ ही आपका प्राइवेट गार्डन भी आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो इस फ्लैट के बारे में जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है आपका धर्मपुर के पास पड़ता है। सेकंड क्या है कि इसमें जो है क्लब हाउस, एक पार्किंग आपको मिलेगी, नीचे गार्डन मिलेगा, पार्किंग एरिया मिलेगा, और जो क्लब हाउस है वो पूरी फुली एमिनिटीज़ के साथ आएगा, जिसमें कि चिल्ड्रन प्ले एरिया हो गया, जिम होगी, आपका स्पा हो गया और रेस्टोरेंट हो गया, ये सारा कुछ इसमें आएगा। तो एक बार मैं आपको फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो फ्लैट जो है बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। आप ये देखें, ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये बेसिकली एक प्राइवेट गार्डन भी कह सकते हैं इसको, आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, जिसमें आराम से 4 से 5 बंदों की सिटिंग इजीली हो जाती है। मेरे पीछे आप व्यू देखें इस बार, आपको सारी 360 जो आपको नज़र आ रहा है व्यू। और ये जो एरिया है, ये बेसिकली क्या है कि फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे फ्यूचर में कुछ नहीं आना। तो आपको जो सामने फ्रंट पे अपने नज़र आ रहा है वो व्यू है, जहाँ पर आपको टोटली ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो ये हमारा प्राइवेट आप कह सकते हैं एरिया है, जिसमें कि आप यहाँ पे इस एरिया में झूला लगा सकते हैं, कुछ भी लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। प्लस इसी के साथ हमने बाहर अपना ये जो गुची दिया हुआ है, जो कि अभी पैक है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस पॉइंट पर गुची है, ये भी पैक पड़ा हुआ है। और प्लस यहाँ पे आपको AC के यूनिट का पॉइंट दिया हुआ है। अभी क्योंकि प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, इसमें और भी मतलब जैसे आप कह रहे हो डेकोरेट होगा या और भी इसमें चेंजेस आएंगे, बट वो धीरे धीरे आएंगे। तो इस ये बेसिकली जो फ्लैट है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, इसके नीचे जो है वो प्राइवेट गार्डन आएगा आपका, जो जिसमें कि आप इजीली आप प्रॉपर गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, ये हमारा फ्लैट है, ये फ्लैट है 2 BHK। टोटल जो स्क्वायर यार्ड में बात करें, 235 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट है, और स्क्वायर फीट में बात करें 2035 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप हिमाचल आते हैं, तो हिमाचल आने के टाइम मैंने एक चीज़ देखी है कि कई लोग बहुत ज़्यादा जो दिल्ली से या बाहर से आते हैं, जब आप हिमाचल आते हो तो आप एक माइंडसेट बना के जाओ कि आपका जो रास्ते होंगे या जो भी एरिया होगा वो ऊंचा नीचा ऊपर नीचे होगा। सड़कें जो मेन हाईवे हैं हिमाचल के, वो आपको बड़े मिलते हैं, लेकिन जब आप इंटरनली जाते हैं तो इंटरनली जो रास्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, 10 फुट 12 फुट की सड़कें होती हैं। तो आप पहले से ये माइंडसेट बना के आए कि आप हिमाचल में जा रहे हैं और वहां पे आपको दिल्ली NCR जैसी सड़कें नहीं मिलेंगी। सो वापस फ्लैट के अंदर आते हैं, तो ये हमारा फ्लैट था। ये जो फ्लैट है आपको फुली लोडेड मिलने वाला है, जैसा आप देख रहे हो, जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एज इट इज मिलेगा। शुरुआत करते हैं, ये हमारा एंट्री गेट है, यहाँ पे हम आपको स्मार्ट लॉक देंगे। और अगर आप वुडन देखेंगे तो ये बहुत हैवी वुड है, मतलब बहुत हैवी आप कह सकते हो दरवाज़ा है इसका। स्मार्ट लॉक के साथ ये आपका गेट मेन गेट आता है। अंदर आते ही सबसे पहले आपका ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आता है। ये आपका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे आप ये पैटर्न देख रहे हैं या आप ये LED पैनल देख रहे हैं, इसके पीछे जो ये डेकोरेट हमने जो वो लगाया हुआ है, डेकोरेटिव आइटम है, ये लगाई हुई पैटर्न लगाया हुआ है, ये आपको एज इट इज मिलेगा। ये क्या है, इसमें आप बेसिकली ये आर्टिफिशियल जल रही है, बट इसके अंदर भी आप जो है टेम्परेचर के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें आपको गर्म और ठंडी दोनों हवा आती है। प्लस आप जैसे ऊपर फॉल सीलिंग देख रहे हो, जो लाइट्स देख रहे हो, ये शैंडलियर देख रहे हो, फैन देख रहे हो, ये सोफा देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, ये आपको एज इट इज इस फ्लैट के अंदर मिलने वाला है। सो दोस्तों जैसे हम जाते हैं बाहर, ये
बाहर जाते ही आपका कर्टन के बाद ये जो हमारे आपने डोर देखे हैं या विंडोज देखे हो, ये बेसिकली एल्युमिनियम के हैं और ये 3 टायर सिक्योरिटी के साथ आते हैं, 3 लेयर्स में होते हैं। इसमें मैश डोर भी आ जाता है आपका, एक ग्लास भी आ जाता है जिससे कि बाहर की नॉइज आपके अंदर ना आए। यहाँ से एंटर करते ही आपका सबसे पहले यहाँ से आपको ये आपका प्राइवेट गार्डन कह सकते हो, प्राइवेट एरिया है, आप इसको बालकोनी कह लें या व्हाटएवर, बहुत बड़ी है, स्पेशियस है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आप था आपका ड्राइंग रूम, ये कर्टन से आपको लगा देता हूँ, ये था ड्राइंग रूम, ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग प्लस किचन है। इसके साथ ये आपका छोटा सा डाइनिंग है जिसमें कि अभी 4 बंदों की सेटिंग है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ करवाना चाहते हैं या इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सामने हमारा हमने जो बनाया हुआ है बेसिकली आप कह सकते हैं एक बार है, रेस्टो बार है, इसमें अपने हिसाब से इस एरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ये लाइट्स देख रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम देख रहे हैं या जो आप इसमें टाइल्स देख रहे हैं, आपको एजेस मिलेगा। ये हमारा किचन आ गया, किचन के अंदर सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, डबल डोर हायर ब्रांड का है, और इसके अंदर ये आपका ओवन वगैरह हो गया, ये आप जो स्लाइड्स देख रहे हो, स्टोरेज देख रहे हो, कवर्ड देख रहे हो, सारी हाफले की है। इसमें आपको क्योंकि मैंने आपको बताया कि फुली लोडेड आपको मिलेगा, तो ये फुली लोडेड चिमनी वगैरह, ये हॉब वगैरह सारी आपको एज इट इज मिलेगी जैसे आप देख रहे हो। और ये हमारा एरिया आ जाता है बाहर के लिए, या फिर आप कुछ भी इसको स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली लाइट के साथ है ये वाला एरिया। और इस किचन के साथ ही हमने एक रास्ता दिया हुआ है क्योंकि 2 BHK के साथ भी हमने सर्वेंट रूम दिया हुआ है। इसके साथ जैसे आप आते हो तो ये हमने साथ में एक छोटा सा सर्वेंट रूम बना रखा है, ये आप देख सकते हो सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम के साथ ये किचन है, सॉरी आपको वॉशरूम आ जाता है ये देखें। और क्योंकि ये फ्लैट बोथ साइड ओपन है, एक छोटा सा एरिया आपका यहाँ से भी है, आप देखें ये भी आपका प्राइवेट एरिया ही आ जाता है, मतलब छोटी सा बालकोनी है, इससे भी आप कुछ उसको किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं या सर्वेंट आपका अंदर ना आके यहाँ से बाहर से आके यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो मैं आपको 2 साइड ओपन बोल रहा था, एक सेकंड साइड से ओपन प्लान है। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो ये आपका कंप्लीट ड्राइंग एंड डाइनिंग आ गया, यहाँ से आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपके जैसे आप आगे आते हो ये आपकी छोटी सी लॉबी होगी, लॉबी के साथ ही फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम जो है वो आपका है 12x15 का बेडरूम है, आप देख सकते हो इसमें बेड आपको एज इट इज मिलेगा, फुली लोडेड आपको यूनिट मिल रहा है, फॉल सीलिंग वगैरह आपको एज इट इज मिलेगी। और इसके साथ ही ये आपका यहाँ से जो बाहर की जो हमारी मेन बालकोनी है, बालकोनी नहीं कह सकते आप, काफी बड़ा एरिया है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम से भी एक्सेस है, ड्राइंग से भी एक्सेस है और थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम से भी एक्सेस है। इसके अंदर फ्लैट के अंदर जो हमने वायरिंग वगैरह यूज की है वो पूरी आपकी हेवल्स की है, किचन हैफले की हम इंस्टॉल करके आपको दे रहे हैं। वॉशरूम की बात करें तो पूरी सैनिटरी जो हमारी है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड की लगी हुई है। तो ये हमारा 12x15 का रूम हो गया विद वुडन फ्लोरिंग, आप देख सकते हो नीचे आपको पूरे वुडन फ्लोरिंग नजर आ रही है, और ये आपके कबर्ड्स आ जाती हैं जो कि सेंसर बेस्ड है, आजकल ये कॉमन सा हो गया कि आप दरवाजा खोलते हो तो लाइट्स आपकी जल जाती है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम का जो कि 12x15 का है। यहाँ से हम निकलते हैं, इसके साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये वॉशरूम आ जाता है, ये बेसिकली कॉमन वॉशरूम है जो कि आपका गेस्ट भी यूज कर सकते हैं और आपका जो बेडरूम वाला गेस्ट है वो भी यूज कर सकता है, बाहर जो कोई नॉर्मली गेस्ट है वो भी यूज कर सकता है। इसमें आप देख सकते हो ये जितनी भी सैनिटरी आप देख रहे हो सारी आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड की है, प्लस आपका जो ग्लास है ये आपका सेंसर बेस्ड ग्लास है, इसमें भी आप देखें 2-3 कलर्स वगैरह आते हैं, मतलब जैसे आजकल चल रहे हैं और वैसा ही है। और जैसा आप किचन देख रहे हो जैसे ये आपका ग्लास का डिवाइडर देख रहे हो ये आपको एज इट इज मिलेगा, टाइल्स हमने पूरी ऊपर तक लगाई हुई है, प्लस सैनिटरी की सारी फिटिंग आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड की है। अब चलते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम है जो कि मेरे को इस पूरे फ्लैट का मेन अट्रैक्शन लगता है, वो ये मास्टर बेडरूम है। जैसे आप मास्टर बेडरूम के अंदर आते हो ये मास्टर बेडरूम आपका 12x18 स्क्वायर फीट का है, ये पूरा मास्टर बेडरूम वुडन टाइल फ्लोरिंग टाइल्स है। ये आप स्टोरेज देख रहे हो, स्टोरेज मतलब
कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ रख सकते हो। इसके साथ ही ये आपका कबर्ड है जो कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया है। यहाँ पे हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप स्टडी वगैरह के लिए, बुक स्टडी करने के लिए। प्लस इसके साथ फॉल सीलिंग होगी। ये पीछे जो आप पैटर्न्स देख रहे हो, ये डिज़ाइंस देख रहे हो, आपको एसिड्स मिलेंगे। और इस पूरे फ्लैट के अंदर जो हम आपको एसी दे रहे हैं वो सारे डेकन के दे रहे हैं। डेकन की एसी आपको मिलेगी। और ये थर्ड मास्टर बेडरूम है और इस बेडरूम से भी आपका जो वो है जो प्राइवेट गार्डन कह लें या अपना बालकोनी कह लें वो एक्सेसिबल है। और ये सामने आपको जुगुजी यहाँ से नजर आ रहा है। तो इसमें पूरी जो टाइलिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है। और आप देखें अभी मेरे हिसाब से जो टाइम हो रहा है वो 12:30 हो रहा है, लेकिन अभी भी धूप प्रॉपर इस घर पे आ रही है। इसके साथ ही हमारा जो है मास्टर बेडरूम के साथ जो मेन वॉशरूम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जो है ये आपका स्टोरेज जो डेकोरेशंस के लिए हो गया। इसके साथ ही ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ जो वॉशरूम आ रहा है बहुत स्पेशल वॉशरूम है। ये आपकी स्टोरेज आ जाती है, कवर्ड आ जाते हैं। ये सामने आपको ग्लास नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हम एक ग्लास देंगे। अभी कोई काम चल रहा है तो उसका जब वो आएगा तो हम यहाँ पे भी ग्लास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसके साथ ये आपकी शीट होगी, साथ में ये आपका वो हो गया वॉशरूम एरिया हो गया। और ये जो जितना भी आप देख रहे हो स्टोरेज वगैरह या ये जो डिवाइडर्स आ रहे हैं, जो ग्लास लगा हुआ है और ये कवर्ड जो नीचे लगी स्टोरेज है, ये पत्थर है, आपको एज इट इज हम इसमें देंगे। इसके अंदर भी आपको जैसे मैंने बताया कि पूरी जो सैनिटरी है वो हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड की है, तो वो आपको ये वॉशरूम जैसा आप देख रहे हो आपको एज इट इज मिलेगा। सो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK का फ्लैट जो कि 2235 स्क्वायर फीट में था। मैं जाते जाते आपको 2-3 चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग। पहली चीज़ तो क्या है, एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। ये आपका वॉशरूम आ गया, मास्टर बेडरूम आ गया, इसके साथ ही आपका ये वॉशरूम गेस्ट वॉशरूम आ जाता है जो कि कॉमन है। प्लस ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, आप देख सकते हैं। तीनों की कनेक्टिविटी आपके बाहर है ओपन, जहाँ पर आपका जो प्राइवेट एरिया है। उसके साथ ही ये आपका किचन आ गया, साथ में बाहर आ गई, ये डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया आ गया। और सामने आपका जो है वो आपका प्राइवेट एरिया आ जाता है जहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, हिमाचल में जब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अपने कस्टमर से ये कहता हूँ कि हिमाचल में प्रॉपर्टी देखना भी बहुत मुश्किल है, दिखाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिमाचल में जब हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, प्रॉपर्टियाँ बहुत दूर दूर होती हैं। तो आप जब हिमाचल में कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो पहले एक प्रॉपर एक डायरेक्शंस के साथ आएँ। ये ना हो कि आप मतलब ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, उस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है, उस पर आप किसी भी कंक्रीट डिसीजन पर नहीं पहुँचते हैं। तो हिमाचल में आते हैं, थोड़ा रस्तों का उबड़ खा ऊपर नीचे का भी हिमाचल है, ऊपर नीचे रस्ते होंगे, तो वो माइंडसेट बना के। तो ये था हमारा बेसिकली 2 BHK का फ्लैट जो कि धर्मपुर के अंदर है, फुली लोडेड फुली फर्निश्ड फ्लैट आपके लेके आए हैं। अगर आपको ये फ्लैट हमारा अच्छा लगा हो तो आप नीचे हमारे नंबर फ्लैश होते हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरीज है, कमेंट्स में लिखें, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी जो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं वो आपको उसके आंसर्स देगी। सो अगर आप ये फ्लैट को अपना बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करें। आई होप कि आपको हमारा ये वाला फ्लैट पसंद आया। अपने दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट फ्लैट में हिमाचल एडिशंस पे। और आपको पता है जब मैं हिमाचल में वीडियो शूट करता हूँ एक नॉर्मल मैसेज जरूर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी आप हिमाचल आते हैं, हिमाचल हमारा बहुत अच्छा स्टेट है, ग्रीन स्टेट है, इसमें आप क्लीनिंग का ध्यान रखें, कचरा इधर उधर ना फैलाएं। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।